मेरा नाम विशद है एंड लाइक मैं रहता हूँ यूएस बॉस्टन में। तो स्टार्टिंग में बहुत टाइम से लाइक मेरा बालनेस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, चल रहा था कहानी, लेकिन एक टाइम को लगा कि इसका कोई सॉल्यूशन है क्या। तो फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट करा, पहले तो कॉज स्टार्ट करा कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं मार्केट में कि कुछ आपके अंदर कमी है या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है कि आपका पानी चेंज होता है क्योंकि मैंने अलग अलग जगह रहा हूँ, या फिर आपके न्यूट्रिशन में कमी है, और वो सब होता है, वो इम्पैक्ट करता है। बट जो मेजर कॉज है वो है DHT, जो मेरे को मालूम पड़ा रिसर्च करने के बाद। और अगर जेनेटिक है तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपके बाल जाएंगे। जो आजकल जो लाइफस्टाइल है, जो स्ट्रेस है, उससे वो उसको एस्केलेट कर सकता है कि मान लीजिए कि अगर 50 साल में जाने हैं तो शायद 30 साल में ही चले जाएंगे, और जो कि नॉर्मल लाइफस्टाइल है और लोग आजकल जा रहे हैं। तो ठीक है, कॉज समझ में आ गया था, अब उसका सॉल्यूशन क्या था तो वो मेरे को पता करना था। तो मैंने देखा कि एक ठीक है, दवाइयाँ हैं मार्केट में लेकिन वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं है। लाइक अगर एक जगह से बाल जा चुके हैं आपके, अगर वो प्लेन बाल्डनेस हो चुकी है तो फिर कोई भी दवाई उसको रीजनरेट नहीं कर सकती है। तो उस केस में यू हैव टू गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट। तो नेक्स्ट स्टेप था, सबसे पहले तो ये था कि घर वालों को कन्विंस करना कि ये एक नेचुरल सर्जरी है, लाइक बहुत ही लाइक नॉर्मल सर्जरी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी नहीं है जिसकी वजह से कुछ आपको इम्पैक्ट होगा आपकी हेल्थ को। तो वो भी एक चैलेंज था, लेकिन ग्रेजुअली जब मैंने रिसर्च करी तो समझ में आया कि एक आउट पेशेंट सर्जरी है, इसमें आपको एडमिट भी नहीं होना है, आपको बस लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है और आप लाइक आपके सामने सब कुछ पूरा प्रोसीजर होता है। तो ये सब करने के बाद नेक्स्ट स्टेप था ये डिसाइड करना कि कहाँ से करवाना है। तो क्योंकि मैं बाहर था यहाँ से, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, टर्की भी ऑप्शन था, उसके बाद इंडिया, नो डाउट इंडिया, क्योंकि इंडिया का हूँ मैं, तो इंडिया फर्स्ट मेरी लिस्ट में फर्स्ट था। लेकिन वहाँ पे भी कहाँ से करवाना है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि दिल्ली मुंबई में बहुत सारे क्लिनिक्स हैं। तो मैं अपनी रिसर्च कर रहा था, उसमें मेरे को इंदौर का भी नाम मिला, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ यहीं से कंसल्टेशन लिया, मैंने 3-4 जगह से कंसल्टेशन लिया डिसाइड करने के बाद कि मेरे को कहाँ से करवाना है, बेस्ड ऑन डॉक्टर की क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उनकी जो टेस्टिमोनियल्स हैं, वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, वो सब देखने के बाद मैंने 3-4 जगह से कंसल्टेशन लिया। लेकिन उसके बाद जब मैं डॉक्टर गर्ग से मिला ऑनलाइन, तो मेरे को एक अलग ट्रस्ट आया कि हाँ, ये जो बोल रहे हैं। और उसके बाद मैंने उनके बहुत सारे वीडियोस देखे, वीडियोस सिर्फ टेस्टिमोनियल के नहीं, वीडियोस उसके भी कि ये लोग प्रोसीजर को कैसे करते हैं, हेयरलाइन कैसे डिज़ाइन करते हैं, और उसके बाद क्या क्या जो भी प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन करा, उसके बाद मेरे पास 3-4 महीने थे जब मैंने अपना अपॉइंटमेंट लिया था। तो उसके पहले भी उन्होंने मेरे को कुछ दवाइयाँ दी थी, लाइक जो नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं जिससे कि मेरी जो बालों की स्ट्रेंथ है वो अच्छी हो जाए, जिससे कि डोनर एरिया अच्छा हो जाए, और जब ट्रांसप्लांट के टाइम करते टाइम वो ईजी हो जाए चीज़ें, राइट। उसके बाद मैंने अपना अपॉइंटमेंट बुक करा, उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया सबसे पहले तब मैं पूरी इनकी टीम से मिला, तो टीम बहुत अच्छी थी, डॉक्टर्स, डॉक्टर गर्ग, दोनों डॉक्टर, डॉक्टर सीमा गर्ग और डॉक्टर अनिल गर्ग से मिला, उन लोगों ने मेरा पूरा लाइक डिज़ाइन करा जो भी हेयरलाइन थी, और शायद वो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी हेयरलाइन डिज़ाइन हो गई थी, मेरे को कुछ भी चेंज नहीं करवाना पड़ा, क्योंकि उन लोगों ने इतने अच्छे से मेरे को समझाया कि इस एज में कैसी हेयरलाइन होनी चाहिए, रदर देन आप अपने 20 ईयर्स ओल्ड वाली पिक ले और उनसे बोलो कि ये वाली हेयरलाइन डिज़ाइन कर दो, विच इज़ नॉट नेचुरल। क्योंकि इस प्रोसेस में जो नेचुरल चीज़ दिखनी चाहिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सब हुआ, और ऑन द डे ऑफ प्रोसीजर बहुत ईजी था सब कुछ, पेन हुआ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल पेन नहीं हुआ, स्टार्टिंग में जो 2-3 लोकल एनेस्थीसिया के इंजेक्शन्स लगते हैं उसमें हल्का सा पेन होता है, बट इनकी टीम पूरा एश्योर करती है कि आप कंफर्टेबल हो अच्छे से, बिल्कुल भी आपको डिस्कम्फर्ट ना हो, पूरा टाइम देते हैं ये लोग, उसके बाद फिर अच्छे से आपकी केयर करते हैं। मेरा दो दिन प्रोसेस चला, एक दिन लाइक मेरे बैक से बाल लिए, ग्राफ्ट्स लिए थे, और एक नीचे से बियर्ड से दूसरे दिन, क्योंकि मेरा बाल्डनेस ज़्यादा था तो 5000 अराउंड ग्राफ्ट्स लगे थे मेरे। तो 2 दिन प्रोसेस चला, सेकेंड डे तो लाइक हाफ डे में हो गया था, और उसके बाद भी उनका फॉलोअप वगैरह बहुत अच्छा था। तो पूरे प्रोसेस में मैं ये बोलूँगा कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस होना, इनफैक्ट मेरे को भी ये अवेयरनेस नहीं थी कि ये इतना इजी, लाइक इतना
नॉर्मल प्रोसेस है. मुझे भी लग रहा था कि कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज़ लाइक अपन इसके बिना जी सकते हैं. ऐसा नहीं है कि इट्स इम्पैक्ट्स अवर लाइफ, राइट? बट द थिंग इज, अगर आप ये करवा लेते हो तो उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आता है वो नेक्स्ट लेवल है. लाइक वो आप तभी जान सकते हो जब आप उसको करवाओगे. तो एक तो अवेयरनेस थी, क्योंकि मार्केट में लाइक नॉर्मली जितनी भी इंफॉर्मेशन फैली हुई है उसमें बहुत सारे मिथ्स हैं, तो उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. और उसके लिए मेरे को लगता है कि इन लोगों ने बहुत अच्छे वीडियोस डाले अवेयरनेस के, जो कोई भी देख सकता है और डिसाइड कर सकता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना लाइक इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, ठीक है, और नॉर्मल है. लाइक हेल्थ पे आपका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा. जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं या वो सिर्फ ऊपर से ही लगानी रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उससे अंदर से कुछ इम्पैक्ट होगा या आपकी हेल्थ इम्पैक्ट होगी. दूसरी चीज़ आती है ट्रस्ट, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि अपने को राइट सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है कि कौन से डॉक्टर के पास जाना है. अब या तो अगर मेरे पास कोई रेफरल है, मेरे किसी फ्रेंड ने या रिश्तेदार ने कराया है, तो बहुत ईजी होता है कि हाँ इसके पास ही जाना है. द प्रॉब्लम इज़ कि मेरे साथ हुआ, मैं किसी को भी नहीं जानता था. फर्स्ट मेरा रेफरल जो लाइक किसी ने कराया हो सीधे, तो मेरे को इसलिए थोड़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी. बट इट हेल्प्स, क्योंकि ये जो ट्रांसप्लांट है इट्स नॉट जस्ट अ वन डे प्रोसेस, इट्स अ जर्नी. इवन करने के बाद भी आपको थोड़ा तो अपने बालों की केयर करनी पड़ेगी, जैसे आप अपनी बाकी हेल्थ की करते हो. तो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से आपको हेल्थी लाइफस्टाइल जीनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है. इट हेल्प्स, राइट, जो भी आपने करवाया है. तो ये मिथ्स वगैरह जो भी हैं वो आप अपने क्लियर कर लो. बट हाँ, एक बार आप 100% सेटिस्फाई हो जाओ उसके बाद जस्ट गो फॉर इट. लाइक मैं सबसे सजेस्ट करूँगा कि जो भी थोड़ा सा भी सोच रहा है कि क्या मैं ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ, आप डेफिनेटली एक अच्छा डॉक्टर ढूंढें जहाँ पे भी आप हैं, कंसल्ट करें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं कि ये प्रोसेस कैसा है. और उसके बाद डेफिनेटली यू हैव टू कन्विंस योर फैमिली, क्योंकि वही आपको सपोर्ट करेंगे. एंड जस्ट गो फॉर इट.